अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं राना सुहेब, पापड़ जोन ऑफिशियल चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली अमर चौहान साहब। तो जनाब, आज हम अमर चौहान साहब के पास आए हैं। इनका हुमर जो रेसर होते हैं उसका एक सेटअप है, इंटरनेशनल लेवल के इनके पास बर्ड है। तो जनाब, आज आपको शो करवाएंगे। आज से पहले मैंने कभी ये रेसर वगैरह का सेटअप कवर नहीं किया, इनके लॉफ्ट नहीं देखे, कैसे डिज़ाइन होते हैं, कैसे बर्ड होते हैं, इनकी पहचान क्या है। आया कि हम जो रेसर ब्रीड करवा रहे हैं, हमने फोस्टरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये वही बर्ड होते हैं या उससे हटके होते हैं? अगर ये हटके हैं तो इनकी क्या पहचान है? तो अमर भाई की तरफ चलते हैं और सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन लेके देते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी। सोहेब भाई शुक्रिया जनाब, आप आज ने टाइम निकाला और सर आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। अमर भाई, दोस्तों के साथ थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें कि आप कब से इस शो के अंदर हैं। जी मैं 98 से, यानी कि ना पुराना ये होमर्स का रेसर का शो कर रहा हूँ। ठीक है। तो हमने बकायदा तौर पे ना दोस्तों ने 2006 में क्लब बनाया अपना ना गुजरांवाला होम विजन क्लब के नाम से। सही है। तो फिर हमने अपना इस शो को प्रमोट किया है गुजरांवाला में और पूरे पंजाब में और पाकिस्तान में। सही। सबसे पुराना क्लब है हमारा लाहौर के बाद से। लाहौर में पहले सबसे पहले शुरू किया था अखलाक अहमद खान साहब, आजम राठौर वगैरह, सलमान दानी साहब ने प्रास्पा के नाम से। सही। तो फिर बाद में कुछ उनके मसाइल हो गए तो वो क्लोज हो गया था। तो हमने 2006 में अपना गुजरांवाला से फिर स्टार्ट किया है इसको। तो माशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि इसको एक अच्छा मकाम दिलाया जाए, इसको स्पोर्ट्स का दर्जा दिलवाया जाए। बिल्कुल सही। होमर्स पिजन को रेसिंग के मुकाबले हमारे भाई थोड़ा सा हमें बताएंगे कि ये होमर का बैकग्राउंड क्या है, क्या चीज़ क्या है ये बेसिकली होमर? ये जो होमर लफ्ज़ है ना, ये निकला है होम से। होमर कहते हैं घर आने वाले को। सही। और इसकी जो होमर पेज है ना, इसकी जिबलत में शामिल है कि घर वापस आना। अगर इसको किसी भी मुकाम से छोड़ा जाए तो इसमें ये पोशीदा सलाहियत है, जिसको ये नेविगेट करता हो अपने घर वापस आ जाता है। सही। अच्छा, यहाँ पे बात की जाए कि माशाल्लाह आप काफ़ी देर से शो कर रहे हैं, मैक्सिमम लेवल पे आपने कितनी फ्लाइट ली है, कितनी बड़ी रेस आपने अपने बर्ड से जो सबसे ज़्यादा ले चुके हैं अभी आप? हमने आज से 3-4 साल पहले ना अपना डैर की से छोड़े थे सिंध से। ठीक है। 650 GPS से। सही। जो फ़ज़ाई फासला है वो तकरीबन 650 GPS था। ठीक है। तो अभी वो अगर रोड डिस्टेंस मेयर किया जाए तो वो 750 बन जाएगा, 750। तो वहाँ तक छोड़े हैं तो इंशाल्लाह ताला हमारी कामयाब रेस थी। फर्स्ट डे में 4 पार्टिसिपेंट के बर्ड जो है ना लैंड किए थे, बकाया अगले दिन आए थे। सही। तो बड़ा अच्छा मुकाबला हो गया था। तो गुजरांवाला होम विजन क्लब को एजाज़ हासिल है कि हमने अपना KPK से, बलूचिस्तान से, सुबह सिंध से और सुबह पंजाब के तमाम मेन बड़े शहरों से ना रेसिस का इनकाद करवाया हुआ है। सही है। अच्छा अमर भाई, यहाँ पर थोड़ा सा बताएं दोस्तों को, जो मेरे दोस्त हैं ना, मैं अपने लिए इन्फॉर्मेशन भी लेके दे रहा हूँ, दोस्तों के लिए भी लेके दे रहा हूँ कि हमारे अंदर बड़ा क्रेज़ होता है कि हमें ये पता नहीं है कि हमने जैसे लाहौर से छोड़े हैं, हमने किसी और रहीम यार खान से छोड़ दिया, किसी भी बहुत दूर से हमने छोड़ दिए, आया कि ये बर्ड कितनी देर में अपने घर पहुँच जाता है? इस बर्ड की जो एवरेज स्पीड है ना वो 60 किलोमीटर फी घंटा है। अच्छा। अगर बर्ड्स को अपना मौसम और हालात वगैरह सही अच्छे मिलें, वाइंड भी सही मिले, एवरेज जो स्पीड है ना इसकी 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आता है। और बाद दफ़ा जब इनको अपना टेल वाइंड मिलती है जी, तो ये 80-70 प्लस की स्पीड से भी वापस आता है घर अपने। सही है। तो ये डायरेक्ट आपके लॉफ्ट में पहुँच जाते हैं कि पहले कहीं मिस भी हो जाते हैं या क्या? इनमें मिस होने की रेशो कितनी है? देखें जी, अच्छों में से बुरे भी निकलते हैं और बुरों में से अच्छे भी निकलते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये तो आपकी सिलेक्शन है, यानी कि आप उनको जो हीरे इकट्ठे करके रखे हैं तो आपके पास हीरे ही इकट्ठे होंगे। जी जी। तो इसमें ये भी होता है, यानी कि अगर कुछ अच्छे निकले हैं तो कुछ बुरे भी साथ निकल आते हैं। सही। तो ये रेसिस करने का मकसद और मुकाबले का मकसद ही यही है कि इनमें से पीतल में से सोना तलाश किया जाए। यानी सही है जी। अच्छा अमर भाई, क्या हम आपसे ये जान सकते हैं कि जो हमने बर्ड रखे होते हैं अपने फोस्टरिंग के लिए, 500-600 रुपये का परिंदा मिल जाता है, 1000 रुपये का परिंदा मिल जाता है, हम उसको बोल रहे होते हैं कि ये रेसर है, क्या हम पहचान कर सकते हैं ओरिजिनल होमर की? और जो हमारे पास ये गलत किस्म की चीज़ें होती हैं इसकी पहचान हो जाती है?
ये जो अपना बर्ड्स है ना अच्छे, यानी कि बर्ड्स हों तो इनमें ना डिग्री बड़ी मैटर करती है। आपने जैसे कहा जी कि कोई 1000 रुपये का बर्ड भी मिल जाता है और लाखों रुपये भी बर्ड मिलता है ऐसे ही, तो बर्ड्स तो हमेशा परफॉर्मर वाले वही होते हैं जैसे, यानी कि ये एक मुकाबले का शौक है जिसमें आपने अपना टाइम पैसा हर चीज़ सर्व करनी होती है। बिल्कुल ऐसे तो आप उसी पे सर्व करेंगे जो अच्छा हो। तो मैं तो दोस्तों से यही कहूँगा कि अच्छे शजरा नसब के, यानी कि जिनके माँ बाप ने, बहन भाइयों ने, उनकी फैमिली में जिन्होंने परफॉर्म किया हो, उनके बच्चे लिए जाएँ, चाहे वो इम्पोर्ट किए हों ठीक है, या ये यहाँ गुजरांवाला से जो ब्रीड हुए हैं, यानी कि पाकिस्तान में जो ब्रीड हुए हैं उनसे, यानी कि जिन बर्ड ने परफॉर्म किया है अच्छे का बच्चा मोस्टली अच्छा ही निकलता है, अच्छा ही निकलता उसका ऐसे ही। अच्छा अमर भाई, यहाँ पे अगर कोई न्यू दोस्त इस हॉबी के अंदर आता है, शौक स्टार्ट करता है जनाब फ्लाइंग की, उसको शौक, जैसे मुझे खुद शौक है कि मैं रेसिंग का शौक स्टार्ट करूँ, अपने लॉफ्ट बनाऊँ एक खूबसूरत सी, मुझे ये बर्ड बहुत पसंद आता है, तो क्या इसके लिए वसाइल का होना ज़रूरी है? इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके पास होती है तो आप एक अच्छी रेस खेल सकते हैं? इसमें बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपके पास अच्छे कबूतर हों, सही है, एक अच्छा बीज होना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपके पास एक अच्छा कबूतर भी आ गया है ना, एक अच्छा बीज आ गया है, तो उसी को आप मुख्तलिफ मादा के साथ क्रॉस करके अच्छे बच्चे ले लें तो वो परफॉर्म करेगा आपके साथ, सही है। तो उसके लिए लॉफ्ट का, दाने का, पानी का, बीमारियों से बचाव का, हर चीज़ का एक सिलसिला करना पड़ता है। और लॉफ्ट यानी कि जो डरबा है इनका जी जी, उसका भी एक ख़ास माहौल होना चाहिए, उसको अपनी सिमत में बना होना चाहिए। यानी कि अगर आपने बर्ड दी लॉफ्ट इनका गलत सिमत में बनाया है और उसमें ये वेंटिलेशन वगैरह नहीं है, हवा का आमदरफ्त नहीं है, तो वहाँ पे तो बर्ड्स अपना वो लूज़ परफॉर्मेंस ही देंगे। बिल्कुल ऐसे। तो इसके लिए शौक को पूरा करने से पहले एक तो बर्ड्स अच्छे होने चाहिए, दूसरे नंबर पे अच्छे तरीके से लॉफ्ट बना होना चाहिए जो हवादार हो, जिसमें धूप का आना जाना, मौसम की सख्तियाँ बर्दाश्त करने का सिलसिला वगैरह पूरा हो अंदर। और फिर आपने उसको बर्ड्स को आपने पूरा साल दाने और पानी का मौसम के हिसाब से, यानी कि पाकिस्तान में 4 मौसम चलते हैं, तो चारों मौसम के हिसाब से आपने उनके दाने का और उनके पानी का भी ख्याल रखना है, तो फिर माशाल्लाह बर्ड आपका परफॉर्म करके दिखाता है। अच्छा अमर भाई, जैसे आप बात कर रहे हैं कि डिज़ाइन ऐसे बनाना है लॉफ्ट सारा कुछ लेके, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम अगर नेट पे जाएं हमें कोई प्रॉपर वीडियो मिल रही हो कि जनाब हमने हर चीज़ सीक्वेंस वाइज ऐसे करनी है, कोई इसमें ऐसा चीज़ नहीं है, तो एक न्यू बंदा जो है वो कैसे सीख सकता है सब कुछ? देखिए जी, ये भी एक फ़न है, कबूतर परवरी जो है ना ये एक फ़न है, यानी कि एक आप उसके साथ बर्ड से परफॉर्मेंस लेना चाहते हो, आपको पूरे फ़न का उसका इलम होना चाहिए। तो किसी भी फ़न का आपको किसी उस्ताद की रहनुमाई के बगैर उसकी मालूमात नहीं आपको मिल सकेंगी, या कोई किसी उस्ताद अगर ना भी हो तो एक आपका अच्छा तजर्बेकार टीचर कह लें उसको, उस्ताद कह लें, भाई कह लें, यानी कि जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसने मार खाई हो इस गेम में, तो वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है। तो आजकल तो वैसे नेट वगैरह पे बड़ी सहूलतें हैं, चीज़ें हैं, बंदा वहाँ से भी स्टडी करके। और ये जो मैं एक ख़ास बात बताऊं कि ये जो हूमर पिजन वगैरह का जो शौक़ है ना, ये पढ़े लिखे बंदे का शौक है, पढ़े लिखे बंदे का, इसमें बर्ड्स को इसकी वेलोसिटी का भी, यानी कि जब हम रेसिंग का फार्मूला निकालते हैं वेलोसिटी के ऊपर भी उसको इलम होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके ऊपर मेडिकेशन, न्यूट्रिशन, उसको पता चीज़ें हो, उसको ये भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स वाली हैं, ये अमाइनो एसिड्स हैं, ये फैट्स हैं, इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होगी तो वो सिलसिला करेगा। तो माशाल्लाह इसमें अगर अच्छे पढ़े लिखे लोग आएँ उनको करें तो वो इससे ज़्यादा शौक प्रमोट होगा। अच्छा, बिल्कुल सही बात है अमर भाई। यहाँ पर छोटी सी मैं चीज़ ऐड करूँगा, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद ग्रेन से जी जी, वो दाना वगैरह बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो जनाब पोस्टर लगे कि जनाब ये एवं बातें बनाई हुई है, प्रोटीन लेवल तो ये लेवल तो फलां लेवल, कोई नहीं सादा दाना डाले ये वो। तो मैं उनके पास इंटरव्यू करने के लिए गया, तो वो उन्होंने बताया, कहते कि यार अगर आप रेसिंग के अंदर आएंगे ना तो हमारे तो हम कुछ भी नहीं है, रेसिंग के अंदर बहुत पढ़े लिखे लोग और वो अपने बर्ड्स को मेंटेन ही ऐसे करते हैं कि हमारे इतनी जो हम दाना तैयार कर रहे हैं, सीड तैयार कर रहे हैं, इसके अंदर इतनी प्रोटीन है, इतनी कार्बोहाइड्रेट है, इसमें इतनी चीज़ें हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि रेसिंग वाले आम फैंसियर, छोटे मोटे फैंसी हाई फ्लाई, इनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले हैं जी। जी बिल्कुल, ये माशाल्लाह अपना ना, ये वैसे ये चिड़ी मारी वाला भी शौक नहीं है कि आपने पूरा दिन छत पे गुजारना है। सही, ये एक घंटे एक डेढ़ घंटे की गेम है, पूरी फैमिली के लिए बड़ा अच्छा मज़ा आता है इसका सिलसिले का। और ग्रेन्स का सिलसिला इस तरह से है कि अपना 3 तरह के ग्रेन्स के मिक्सचर बनते हैं, यानी कि सही है, बर्ड्स के जो अपना मिक्सचर है ना दाने के फीड्स के, वो 3 तरह के हैं। सही है, एक ब्रीडिंग मिक्सचर है,
एक मोल्टिंग मिक्सचर है और एक रेसिंग मिक्सचर है। सही। जो ब्रीडिंग मिक्सचर है उसमें हम कोशिश करते हैं कि प्रोटीन की रेशो को ज़्यादा रखें, और जो मोल्टिंग मिक्सचर आ जाते हैं उसमें हम चले जाते हैं कि उसमें कुछ फैट्स ज़्यादा हों या अमाइनो एसिड की रेशो कुछ ज़्यादा हो इसके अंदर। और उसके बाद आ जाता है अपना रेसिंग का मिक्सचर जो है, रेसिंग में हमें प्रोटीन इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए जितनी हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए उसके अंदर। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन ज़्यादा हो, फैट्स ज़्यादा हों, कुछ अमाइनो एसिड की वाली भी जो चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा हों। तो ये मैं बात कर रहा था कि कोई बंदा पढ़ा लिखा होगा तो उसको तो आसानी होगी सर्च करने में भी और उसके सिलसिले में भी। तो माशाल्लाह आज तो अब तो पाकिस्तान में भी जो इलिटरेसी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा, पढ़े लिखे लोगों की ज़्यादा तादाद काफ़ी है इसमें। बिल्कुल ऐसे ये भी नहीं कि बंदे ने कोई अपना बैचलर किया हो, कम अज़ कम मैट्रिक भी किया हो ना तो अच्छे तरीके से अपने इस चीज़ों को स्टडी कर सकता हूँ। ले जी फ्रेंड, अमर भाई के साथ गपशप हमारी चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। अगर इसको हम बातचीत को बढ़ाते रहें करते रहें, मैं कहता हूँ कि ये ख़त्म नहीं होती, बहुत लंबी है, पर आप दोस्त भी बोर हो जाते। अभी हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए हुमर के हवाले से कि मसाली हुमर कौन सा होता है, क्या इनके कलर्स होते हैं, पैटर्न्स कैसे होते हैं, साइज़ क्या होता है, वेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको इंशाल्लाह ताला अमर भाई के साथ अभी बता रहे हैं। हम जा रहे हैं, आपको परिंदे भी दिखाते हैं, बर्ड्स दिखाते हैं, साथ साथ थोड़ी बहुत गुफ्तगू करेंगे और इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। चलते हैं बर्ड्स की तरफ। अच्छा अमर भाई, यहाँ पर आप थोड़ा सा अपने दोस्तों को बता दें कि एक अच्छे हुमर की, अच्छे रेसर की क्या पहचान है, कैसे पता लगता है कि ये हमारे लिए अच्छी परफॉर्मेंस देगा और बेहतरीन चीज़ है। ये जो अच्छा रेसर बर्ड्स है ना हुमर, जी उसका वज़न कोई तकरीबन जो है ना 1 पाउंड के करीब होता है, 450 ग्राम के। सही। तो उसकी जो लंबाई होती है ना वो अपना हेड टू टेल, सर से लेके दुम तक ना, जी जी, 10 से 12 इंच होनी चाहिए। ठीक है। तो मोस्टली जो एक अच्छा टिपिकल हुमर है ना वो ब्लू बार कलर में होगा, जैसे ये वाले बर्ड्स है मेरे, ये वाले। सही है। ये गैबी वेंडिबिली की लाइन से हैं। अच्छा, ये हम दिखा सकते हैं। जी ले माशाल्लाह, देखिए जी। अच्छा, ये बाहर के रिंग बर्ड हैं। ये बाहर के रिंग बर्ड हैं। तो ये मेरे दोस्त हैं अपना ना, ये मैंने उनसे, यानी कि इनके जो माँ बाप है ना, जी जी, वो बाहर से इम्पोर्ट हुए हैं और ये उनके चिक्स हैं, ये वाले बच्चे हैं, ये डायरेक्ट जो बाहर से आए हैं ना, ये उनके पट्ठे पट्टी हैं, ये वाले। ये अब आपके पास ब्रीड कर रहे हैं? अब मेरे पास ये ब्रीड कर रहा है, ये वाला, ये गैबी और आप जीनोक्लिक उसकी लाइन से बर्ड हैं ये वाले। अच्छा अमर भाई, ये आपके पास इनके बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे हैं? जी परफॉर्मेंस दे रहे हैं माशाल्लाह, जबरदस्त। इनके अंदर होमिंग एबिलिटी बड़ी अच्छी है इनकी। सही है। अकल में और जज्बे में बिल्कुल अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पे नीचे भी ये नज़र आ रहे हैं हमें, ये पे है, ये माशाल्लाह इसने ब्रीड किया हुआ है, तो ये बता सकते हैं ये किस लाइन से है, क्या चीज़ है ये? ये भी जो मेल है ना, ये ब्लू बार कलर में है। जी जी। और ये भी गैबी की लाइन से है, और जो मादा है ना, जी जी, ये ग्रीजल है ये वाली। अच्छा, ये ग्रीजल है, माशाल्लाह जी, बच्चे वगैरह पाल रहे हैं। और ये कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं आप? ये भी माशाल्लाह बेहतरीन। मेरे पास जितनी भी पेयरिंग लगी है ना ज़्यादा, जी जी, मैं 2007 से रिसीव कर रहा हूँ, तो मेरे पास मोस्टली ज़्यादातर पेयर वो लगे हैं जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। सही है। जो मेरे खेले हुए बर्ड्स हैं ना, जी जी, उनको मैंने पेयरिंग में लगाया, यानी कि हीरे ही इकट्ठे किए हुए हैं, यानी कि कोशिश ये है कि अच्छे से अच्छा बर्ड जो है ना, जिसमें परफॉर्मिंग, जिसकी होमिंगबिलिटी जितनी अच्छी है उसको रखा हुआ अपने पास। बिल्कुल ठीक। जी अमर भाई, थोड़ा सा बर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में बताएं कि फीडर हमने कैसे देखने होते हैं, जैसे हाई फ्लाई वगैरह देखते हैं, इनका सेम देखने का तरीका कि इनका डिफरेंट है? नहीं, इसमें अपना आँख का तो बिल्कुल सेम है। ठीक है। परों का थोड़ा सा जो है ना उसमें डिफरेंट आ जाता है उसमें। सही है। उसमें ये है कि ये जो मेरे हाथ में जो बर्ड्स पकड़ा हुआ है ना, जी जी, ये जैनसन की फैमिली का बर्ड है, ये वाला जैनसन की लाइन से है। ये कहाँ के ब्रीडर? ये बेल्जियम के, जैनसन ब्रदर्स। सही है। ये उनकी लाइन से है, ये लाइट शेकर है। ठीक है। और इसमें ये है कि इसके बारे में जो कहा जाता है ना, यानी कि इसको एक अपना ट्रूली 1 फीदर टेल होना चाहिए। आप देखें इसकी दुम जो है बिल्कुल अपना 1 फीदर टेल है, एक पर के जैसे बांध है। जी जी, बांध। ब्रॉड चेस्ट है। सही है। और वाइट आइन साइन है इसका, वो कलर जो है ना, आइस साइन का जो कलर है, इसका कलर जो है वो वाइट है इसका। ले ये देखें। और आईज़ के मतलब मैं, ये जो दोस्त आई साइन चेक करवाते हैं ना, जी जी, इसमें एक मेन चीज़ होती है, जो आईज़ को समझते हैं ना तो उनको पता है कि आईज़ के जो है ना 5 सर्कल होते हैं। ठीक है। जो सर्कल नंबर 2 होता है ना उसको सर्कल ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। जी जी। और उसी को आई साइन बोलते हैं। सही। अगर किसी बर्ड के अंदर आई साइन मौजूद नहीं है, यानी कि सर्कल नंबर 2 नहीं है, जी जी, तो वो किताब हमारे पढ़ने के काबिल ही नहीं है। सही। वो बर्ड बिल्कुल सिफर है, उसको देखना ही नहीं चाहिए उसको, जिसमें सर्कल नंबर 2 ना हो। सही। सर्कल नंबर 2 का होना बहुत ज़रूरी है, और बाकी जो सर्कल है ना सारे, उनकी एक अलहदा से कारकर्दगी आ जाती है उनकी। देखते हैं उसको कि ये अपना बर्ड जो है अपना रेसर के लिए ज़्यादा कामयाब है, रेसिंग के लिए, कि ब्रीडर के लिए कामयाब है। सही। और इसकी खुद अतमादी इसमें कितनी है बर्ड्स के अंदर। ठीक है।
अच्छा, इसके जो फीदर वगैरह हैं वो काइंडली ज़रा शो करवाएं कि आप किस तरह के फीदर लाइक करते हैं, क्या शार्प होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? जो फीदर है ना वो ना तो अपना ज़्यादा चौड़े होने चाहिए और ना ही ज़्यादा पतले होने चाहिए। सही है। और इनके अंदर जो टेंथ नाइन टेंथ जो फ्लाइट्स है ना, टेंथ नाइन और एट, जी जी, इनके अंदर वेंटिलेशन होने चाहिए, इनके अंदर गैप होना चाहिए। सही है। और जो अपना ये जो होता है ना छठा और सातवां पर जो अंदर जो होता है फर्क, ये जैसे आप देखेंगे ये छठा और जो सातवां पर है ना, जी जी, इसके अंदर जितनी लंबाई और जिसका जो फर्क होगा ना इसके अंदर, जैसे ये मेरी उंगलियों के अंदर फर्क है ये जी वाला जी जी, इस तरह का फर्क होगा वो उसकी विनिंग पोजीशन शो करता है, उसकी विनिंग पोजीशन शो करता है बर्ड्स की। सही है। छठे और सातवें पर के अंदर जो है ना, सही है, ये वो फर्क होना चाहिए। अमर भाई यहाँ पे थोड़ा सा जिसामत के हवाले से बताएं, जिसामत आप कैसी लाइक करते हैं, छोटा जिसामत का बर्ड या हैवी जिसामत का या कोई मीडियम पसंद करते हैं? परफॉर्मेंस के लिहाज से कौन सा बेहतर है? बेडंगा नहीं होना चाहिए। सही है। उसका बॉडी पर स्ट्रक्चर जो है ना बेहतरीन होना चाहिए। सही। और जो नीचे जो उसकी सीने की हड्डी वगैरह जो है ना, जी जी, ये बोट की शक्ल की होनी चाहिए, शिप की शक्ल की नहीं होनी चाहिए। ठीक है। यानी कि जैसे कश्ती होती है ना, बोट होती है, उस तरह से होना चाहिए इसको। ठीक है। जो ज़्यादा नीचे वाली गहरी हड्डी वाले कबूतर होते हैं, जैसे शिप का नीचे होता है, वो नहीं अच्छे तरीके से परफॉर्म करते। सही है। और इसको अपना ब्रॉड चेस्ट होना चाहिए, इसको एप्पल शेप बॉडी होनी चाहिए। चेस्ट भी ज़रा इसके शो करवाएं, माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की, ये देखें ज़रा बेहतरीन चौड़ा परिंदा है, पता लग रहा है कुछ जिसामत अच्छी है और हेल्दी एक्टिव है माशाल्लाह। अच्छा, ये चीज़ें बेसिक्स हैं जो कि एक अच्छा हुमर हमें दे सकती है, जब अगर ये चीज़ें हम देखते हैं तो हम अच्छी एक सिलेक्शन कर सकते हैं अपने लॉफ्ट के अंदर। जी अमर भाई, ये जो आप बर्ड्स का शो करवा रहे हैं, बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये सारे आपके ब्रीडिंग सेक्शन से हैं? जी, ब्रीडिंग सेक्शन से है मेरे। ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं ये फ्लाई के अंदर, फ्लाई वाले बर्ड के अंदर भी होने चाहिए और ब्रीडिंग के अंदर, दोनों के अंदर होने चाहिए? जी, एक अच्छा ब्रीडर होगा तो वो अच्छा फ्लाई पैदा करेगा ना, वो बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसका अगर वो अच्छा यानी कि वजूद होगा तो उसमें उसी वजूद के अच्छे बच्चे निकलेंगे अंदर से। चले ज़रा इसका भी थोड़ा सा शो करवा देंगे। ये डेनमार्क की ब्रीड है, 1244 बड़ी फेमस ब्रीड है, यूनस मोहम्मद साहब है अपना डेनमार्क में। जी जी। ये उनके घर की ब्रीड है, तो उन्होंने माशाल्लाह इसे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ली हुई है। तो ये आरजे लॉफ्ट सरगोधा से मैंने बर्ड लिया था ये वाला। अच्छा अच्छा। जहाँ से बर्ड साहब से, माशाल्लाह बड़ा अच्छा बर्ड है, तो इसके बच्चे मेरे पास बड़े अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। ज़रा इनके आँख भी दिखा दें एक बड़ी, दोस्तों को आँख का भी शो करवा दें। लें फ्रेंड माशाल्लाह, आँख का शो कर लें, क्या खूबसूरत चीज़ है। अच्छा अमर भाई, ये जो रेड सर्कल बहुत डार्क के अंदर नज़र आ रहा है, ये अच्छे ब्लड की निशानी है? ये इसके कलर की वजह से है, जो इस कलर में ज़्यादा कबूतर होते हैं ना उसकी वजह से। बाज़ कलर जो होते हैं ना आइज़ के, जी जी, वो कबूतर के अपना जो उनका बॉडी का कलर जो होता है ना, जी जी, उसको भी शो करते हैं साथ उसके। सही है। ठीक है। इसके आइज़ ये डार्क होना इतना कोई ज़्यादा इतना मैटर नहीं है? नहीं, इसमें वैसे पिगमेंटेशन कम होनी चाहिए तो अच्छा होता है। मैंने जिसके साथ जो माता लगाई है ना, जी जी, उसकी आँख की पिगमेंटेशन कम है। सही है। तो जोड़ा लगाने के असूल में भी ये चक्कर है कि एक अगर बर्ड अपना डार्क आईसान में हो तो उसको लाइट आईसान के साथ क्रॉस करना चाहिए। सही। या ऐसे कह लें कि सफ़ेद आईसान वाइट आईसान को येलो के साथ क्रॉस करेंगे ना, जी जी, तो आगे आंखें जो है ना वो मज़ीद अच्छी आएंगी उसमें। सही। अमर भाई, ये कौन सा बर्ड है? ये हमारे पुराने बर्ड्स हैं जी जी, तो इसके नाम है मास्टर ब्रीड है ये वाली। अच्छा अच्छा। तो इनमें माशाल्लाह होमिंग एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है इनके अंदर, तो इन बर्ड्स ने मुझे काफ़ी अच्छा जो है ना अपना रिजल्ट दिया हुआ है। तो ये स्ट्रेन तकरीबन 20 साल से मेरे पास मौजूद है और मैं 20 साल से इसके साथ अच्छे रिजल्ट ले रहा हूँ इसके। सही। तो ये आपको विनिंग बर्ड दे देता है? हाँ बिल्कुल देता है जनाब। ज़बरदस्त। ज़रा इसके पर वगैरह भी आप चेक करवा दें दोस्तों को। जी माशाल्लाह शो कर लेंगे आप, क्या खूबसूरत चीज़ है। और टेल भी दिखा दें आप प्लीज़। बंटेल का कबूतर है माशाल्लाह। ये अमर भाई कौन सा बर्ड है? ये भी जैनसन की ब्लड लाइन से है। अच्छा। ये भी मेरे पास काफ़ी पुरानी ब्रीड है, ये भी मेरे पास 20 साल से यानी कि सही इनके साथ में परफॉर्मेंस ले रहा हूँ, तो ये काफ़ी पुराने बर्ड्स हैं मेरे ये वाले। लेंगे माशाल्लाह शो कर लें जी, ये बर्ड बहुत अच्छा लग रहा है जी, जिसामत के लिहाज से देखें आप, आई देखें आई का शो कर लें आप, आई चेक करें आप, क्या खूबसूरत चीज़ है। और इसके फेदर देख चेक कर लें आप, ये देखें, ये मेरा फ्लायर सेंक्शन है, ये मेरे सारे सोल्जर हैं, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर ये परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह ताला ना। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है जी।